हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं हाउस प्लान्स आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2 BHK बंगलो प्लान के बारे में, जो नॉर्थ फेसिंग है और जिसमें 2 बेड, 1 किचन और 1 हॉल कंसिस्ट करता है। उसके ग्राउंड फ्लोर में भी सेम 2 BHK का प्लान है और फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 BHK का सेम प्लान है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। पहले हम ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं। यहाँ पर ग्राउंड में पोर्च दिया है आगे 9 फीट का। उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस 4 स्टेप है। 4 स्टेप चढ़ के ऊपर जाने के बाद 8 फीट 9 इंच बाय 5 फीट का लॉबी है। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयरकेस दिया है। तो यहाँ से अप है उसका। यहाँ से ऊपर जाएंगे। और ग्राउंड फ्लोर के लिए यहाँ से ओपनिंग दिया है। तो पहले ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं, देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान। तो ग्राउंड फ्लोर में जाने के बाद पहले हॉल लगता है, जिसका साइज़ है 12 फीट 3 इंच बाय 16 फीट 3 इंच। मतलब ऐसा 16 फीट है और ऐसा 12 फीट 3 इंच। तो इसमें हमने वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए हमने एक 6 फीट का और एक 5 फीट का ऐसा 2 विंडो दिया है। और यहाँ पर ऐसा सोफा है यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर हम कुछ भी, मतलब शो के लिए कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बीच में आएगा आपका टीपॉय, टीपॉय वगैरह आएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा टेवी कबर्ड। और यहाँ पर आपका LCD या LED और टीवी लगेगा। इसके बाद यहाँ से ओपनिंग अंदर है। सीधा हम चलते हैं किचन में। किचन में जाने से पहले ही यहाँ पर हमने एक स्टोर छोटा सा दिया है, जिसका साइज़ है 6 फीट 5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच, जिसको हम स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी रॉ मटेरियल वगैरह हम यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो किचन का सामान वगैरह जो मतलब अनयूज्ड है वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके लिए हमने 3 फीट का एक छोटा सा विंडो दिया है उसके वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद सीधा हम किचन में चलते हैं। किचन में जो राइट साइड में लगता है वो डाइनिंग लगता है। यहाँ पर छोटा सा डाइनिंग दिया है। और यहाँ पर पूजा रूम है। और यहाँ पर ये जो किचन प्लेटफॉर्म दिया है, किचन का जो साइज़ हम देखेंगे तो 12 फीट 3 इंच बाय 13 फीट 9 इंच का दिया है, जो कि बड़ा है साइज़ है किचन का। और किचन का ये जो है ये मेन प्लेटफॉर्म है और ये सर्विस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हमने छोटा सा मतलब जगह दी है फ्रिज के लिए। उसके बाद उसके राइट साइड में भी स्टोरेज है, जहाँ पर कबर्ड हम पॉट्स वगैरह रख सकते हैं, जो इक्विपमेंट जो लगता है हमें किचन में वो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। उसके पीछे जो है, और इसका किचन का जो वेंटिलेशन है वो 5 फीट का 2 विंडो रखा है यहाँ पर। यहाँ पर पीछे के साइड में यूटिलिटी है, इसको हम छोटा सा गैलरी भी बोल सकते हैं। और ये ईस्ट साइड में जो रखा हुआ है हमने विंडो, जो कि वेंटिलेशन के लिए अच्छा है किचन के लिए। सीधा चलते हैं हम यूटिलिटी में। यूटिलिटी का जो साइज़ है वो 13 फीट बाय 5 फीट ऐसा रखा हुआ है, जो कि बड़ा है। यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन वगैरह और कपड़ा वॉश करने का रहेगा तो इधर कर सकते हैं, और कपड़ा सुखाने को भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसके लिए ये इसका साइज़ जो है वो बड़ा दिया है हमने। इसके बाद हम बेडरूम में आते हैं। तो बेडरूम में आने के बाद बेडरूम का जो साइज़ है 10 फीट 6 इंच बाय 11 फीट है। और यहाँ पर जो है एक बड़ा सा बेड है। इसके साथ साइज में हमने
टेबल छोटा सा दिया है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए 5 फीट का विंडो दिया है, यहाँ पर आपका कबर्ड आएगा, ऐसा ही कॉमन बेड है ये। इसके साइड में हमने टॉयलेट दिया है जिसका साइज है 3 फीट बाय 4 फीट, और उसको भी छोटा 3 फीट का हमने विंडो दिया है। इसके नज़दीक ही हमने ये वॉश बेसिन दिया है, और बाथ का जो साइज़ है वो 7 फीट बाय 4 फीट, और यहाँ पर जो आपका आएगा एक मिक्सर और शावर आएगा। तो यहाँ से सीधा चलते हैं हम बेडरूम में, दूसरे बेडरूम में। तो यहाँ पर इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 फीट 6 इंच बाय 10 फीट है, और यहाँ पर हमने बड़ा सा बेड दिया है। बेड के ठीक सामने हमने 5 फीट का विंडो दिया है और उसके साइड में कवर्ड है। फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ से सीधा, तो यहाँ पर नीचे दिया है वो पोर्च है, उसका हम टेरेस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ से एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो हॉल में जाएंगे, सेम नीचे का जो प्लान है वही ऊपर ही कॉपी किया है। यहाँ पर बेड है, यहाँ पर 6 फीट का और 6 फीट का 2 विंडो दिया है। उसके बाद यहाँ पर स्टोर दिया है, पूजा रूम दिया है, एक किचन, सेम यूटिलिटी, और यहाँ पर एक एडवांटेजेस है फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ये यूटिलिटी जो है इसको हम बालकनी भी कर सकते हैं, मतलब इसका यूजेस नहीं करना चाहते हम पीछे पीछे के साइड में, यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तो ये हमें इसमें भी टेरेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम साइज़ दिया है इसका भी, नीचे जो जितना किचन है उसका भी, ऊपर सेम साइज़, सेम स्टोरेज, सेम बेडरूम, यहाँ पर एक ऐसा दिया है, और इस तरह से ये प्लान किया गया है। इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं जब, मतलब आपका प्लॉट का साइज़ 52 फीट बाय 24 रहेगा। तो ठीक, इतना था इस वीडियो में 2 BHK प्लान के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।